नवीन तुम अपना नाम नवीन प्रभाकर से बदल के नवीन दयाकर कर दो यार, हंसा हंसा के जो हालत की है ना, दया करो अभी। पेचंकंग पहली बार सुन रहा हूँ। ट्रेन में, बसों में पेचंकंग, एयरपोर्ट पे पेचंकंग, जहाँ जाओ पेचंकंग पेचंकंग, हमको देख के भी पेचंकंग। घर पे फोन भी आता है मेरे सेल पे, फिर भी पेचंकंग। अरे यार नाम तो बताओ। नहीं पेचंकंग। एक आदमी इस पहचान कोन की वजह से एक साथ दो हार्ट अटैक आके मर गया। दो हार्ट अटैक आके मर गया कि अपनी पत्नी को सरप्राइज देने चाहता था और लाफ्टर चैलेंज देख रही थी पत्नी। अच्छा। पीछे से आया सरप्राइज देने के लिए, आंखों पे हाथ रखा, पहचान पत्नी वॉचमैन। फिर भी हिम्मत करके दूसरा सवाल पूछा। एक हार्ट पहचान कौन, पहचान कौन? पेपर वाला। तीसरे अटैक के लिए बचा नहीं भाई वो। इसके बाद कोई भी पति अपनी पत्नी की आंख बंद करके ये नहीं पूछने वाला पहचान कौन। बार गर्ल रानी मुखर्जी से भी ज्यादा बड़ी फिल्म एक्ट्रेस बन गई। अब होना यह था कि सब लोग तरस रहे उनको मिलने के लिए, उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए, फोटोग्राफ खिंचाने के लिए। सब पत्रकार लोग पहुंच गए। सुबह 8:30 बजे डोरबेल बजाई, टिंग टोंग, कौन है बे? क्या इतने जोर से कह क्यों थे बेटे? आवाज तो उतना ही आएगा ना अंदर, घंटी है ये, घंटा नहीं। बहुत अच्छे यार, कमाल कर दी गुरु। क्या चाहिए? देखिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? क्या लेने का क्या है? हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बाहर निकल 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 निकल, आया बड़ा, हट। देखिए हम अखबारों में आपकी तस्वीर छापेंगे, आपका आर्टिकल लिखेंगे। अच्छा ठीक है, आ बैठ। क्या बोला, क्या लेगा तू? हम आपका फोटोग्राफ लेंगे। ले ले। अच्छा ठीक है, डरना मत, मैं कपड़े पहन के आती हूँ। अरे अच्छे कपड़े पहन के आती हूँ। 15 मिनट के बाद आ गई। लगे हम शुरू करें तो आया तब से क्या कर रहा था? 1 2 3। देखिए सारा हिंदुस्तान आपका फैन हो गया है, आप सुबह से लेकर शाम तक शूटिंग, ये डेली रूटीन कैसे एडजस्ट करते हैं शूटिंग वगैरह, और अपने घर के भी पर्सनल काम होते हैं, और आप घर और यहाँ का ये समीकरण कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं समीकरण? नहीं मतलब क्या है? मतलब बैलेंस, बैलेंस। अच्छा हाँ बैलेंस ना, देखो क्या करते हैं हम लोग ना, पहले तो मैं 7 बजे उठती हूँ, बाद में फ्रेश होती हूँ, फ्रेश होने के बाद चाय पीती हूँ और एक बार जाके फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद ना मेरे को सुबह सुबह ना मिड डे तो मांगता ही चाहिए, मिड डे पढ़ती हूँ क्योंकि हम लोग के घर में ना सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। मैं बताऊँ सैंपल, पद्मा 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 जरा इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला, 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लि
चल जा पद्मा, तेरा काम खत्म, मेरा शुरू। आगे बढ़ते हैं जरा, आप आगे तो बताइए मिड डे तक। हाँ, मिड डे के बाद ना हम लोग ना फिर ना लंच की तैयारी करते हैं, फिर लंच पकाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड को जाके उठाती हूँ। फिर ना दो बार तो ऐसे उठाती हूँ, नहीं माना लात मार के उठाती हूँ। के फिर मेरे को मदद करता है, हेल्प करता है। फिर ना हम लोग मार्केट जाते हैं, फिर हम लोग घूम घाम के घर पे आते हैं और खाना खा के सो जाते हैं बेड पे। लेकिन आपने बताया नहीं बेड पे सो जाते हैं। आप शूटिंग कब करते हैं? दूसरे दिन सुबह। थैंक यू सो मच।